दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है अखिल भारतीय पार्टी परिवार के प्रत्याशी, नागपुर लोकसभा से उम्मीदवार आनंद शर्मा जी। शर्मा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत आभार। पहले बार नागपुर लोकसभा के उम्मीदवार अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से, जैसे हम लोगों ने खड़े होते ही एक बड़े बड़े लीडर्स के बीच में, उनके पीछे उनके साथ में घूमने वाले मीडिया के साथ में आप लोग ना रहते हुए एक साधारण तरीके से, क्योंकि इलेक्शन इस 18वां लोकसभा इलेक्शन के अंदर में हर किसी का हक है लड़ने के लिए, इस विषय पे आप लोग हमको समर्थन करते हुए यहाँ तक पहुँचे, उसके लिए मैं आप सभी को हमारे पूरे टीम के साथ से नतमस्तक होकर आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप लोग यहाँ तक पहुँचे, थैंक यू सो मच। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कर्ज मुक्ति का जो अभियान आपने छेड़ा हुआ है और जो हर भारतीय को आप कर्ज से मुक्ति दिलवाना चाहते हैं, ये किस तरह का अभियान है और ये इलेक्शन कैंपेन जो आप चला रहे हैं उसका क्या मकसद है, उस बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ आगे लेके आने के रखना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी, हमारा उद्देश्य कोई संसद बनना या कोई पार्टी के रूप में पॉलिटिक्स में आगे आना या इलेक्शन लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य कर्जा मुक्ति अभियान, निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान को हम लोगों ने 2 साल से शुरुआत किए है। हम लोगों ने टेक्निकली आज बड़े बड़े पूंजीपति लोन का, मतलब आप मीडिया के आगे में आप आगे आए हैं तो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जब जी इंस्टीट्यूट के मालक सुभाष चंद्रा जी के 15,000 करोड़ रुपए माफ़ कर सकते हैं हमारा सरकार, तो साधारण तरीके से एक ठेले वाला होने दीजिए, एक रिक्शा वाला होने दीजिए, एक ई रिक्शा वाला होने दीजिए, एक महिला समूह से लेने वाले महिला घटके लोन होने दीजिए, या एक छोटे छोटे घर के काम होने दीजिए, ऐसे इतने लोन से, इतने छोटे छोटे लोन्स ले रहे हुए लोग हर महीने में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,500 रुपये या 5,000 रुपये के आसपास में वो लोग पे नहीं करते तो उनके ऊपर में ये रिकवरी एजेंट वाले लोग आके इतने दबाव डाल रहे हैं और उनको इतना समस्या फेस करना पड़ रहा है। साथों साथ में आप देख सकते हैं यहाँ हर बैंक के अंदर में उनके ऊपर में नोटिस आते हैं, तुरंत तुरंत उनको घर से नीलामी किया जाता है, उनके घर के लॉक लगाया जाता है, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जब बड़े बड़े पूंजीपति का कर्ज माफ हो सकता है तो साधारण जनता का भी वो हक है। भारत के श्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रचे हुए हमारे संविधान के अंदर में हर किसी का एक ही विधान करके जब लिखा हुआ है तो उनको जो लागू होता है वही चीज़ छोटे वाले लोगों को भी लागू होता है। एक छोटे छोटे निम्न स्तर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाले लोगों का कर्ज माफ़ कीजिए, या उनके जिन जिन लोगों का कर्ज माफ़ किए हैं उनका पूरे तरीके से पैसा वसूली कीजिए करके हम लोग शुरुआत किए। इस चीज़ को टेक्निकली हम लोग आगे लेके जाते हुए सभी लोगों से डाटा पूरा एकत्रित करने वाला काम किसका है, गवर्नमेंट का है, मगर वो काम हम लोगों ने किया। लोगों का डाटा 18 लाख परिवार लोगों से हम लोगों ने आवेदन लिखवाए, 18 लाख लोगों से नहीं, 18 लाख परिवार लोगों से, तो इन लोगों को हम लोग एकत्रित करके इनके फॉर्म्स हम लोगों ने हर एरिया के कलेक्टर के आगे में रखे, वहाँ कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद में इस सभी चीज़ों को लेके 10 बार, मतलब 18 लाख लोगों का डाटा हम लोगों ने 10 बार प्रिंट करके वित्त मंत्रालय में सबमिट किया गया, वहाँ से नो रिप्लाई। उसके बाद में हम लोगों ने यही डाटा को फिर से 10 बार PMO में, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर में हम लोगों ने सबमिट किए, वहाँ पर भी नो रिप्लाई। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हम लोगों ने PIL डाले हैं, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अब आप मुझे बोलिए, हम सबको बोलिए कि हमारा काम क्या है, कहाँ से हम लोग कर्ज माफ़ करवाएंगे, मैं तो सरकार नहीं हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने सोचे है कुछ, जितने लोग खासदार लोग हैं 543 खासदार लोगों को हम लोगों ने आवेदन लेटर लिखे, वहाँ से भी नो रिप्लाई। पूरे MLA लोगों को हम लोगों ने लेटर लिखे, आमदार लोगों को, वहाँ से भी नो रिप्लाई। तो हम कुछ लोगों ने ऐसे भी बोल दिए इतना कोई ये सब चीज़ काम हम लोग नहीं करने वाले, आपको लगता है तो आप इलेक्शन लड़ लो, आप ही कर लो करके कुछ लोगों ने हमको मार्गदर्शन किए, हमको टाउंट मारते हुए, तो हम लोग स्वीकार किए, हम आगे आए हैं। हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी श्री माननीय शाहनवाज चौधरी भारती जी के आध्वर्य में गर्व से कहो हम भारतीय है मुहिम को पहले शुरुआत किए। हर एक व्यक्ति आपके नाम के साथ में भारतीयता के शब्द जोड़ना चाहिए, शर्मा मेशराम वो सब चीज़ बाद में, पहले हम लोग भारतीय है तो हम सभी लोग मिलकर पहले भारतीय बनना चाहिए, हम सब लोग पहले भारतीय बने, उसके बाद में उसी मुहिम को आगे लेके जाते हुए निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान शुरुआत किए। उस सीजन के बाद में आज हम लोग जनता के बीच में आए हैं। मैं पूर्ण तरीके से हम लोग आपको ये भी बोलना चाहते हैं, पूरे भारत के अंदर में 543 जगह से हमारा उम्मीदवार खड़े होगा अखिल भारतीय परिवार पार्टी के नाम से, और हम लोगों ने आप ये चीज़ देख सकते हैं, हम लोग हमारे मैनिफेस्टो के साथ में नोटरी बना के रखे हैं। ये नोटरी ये है
कि जो दिन हम लोग जीतते हैं उसके बाद में फर्स्ट 100 डेज के अंदर अंदर में हम लोग जो भी वादा कर रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो के अंदर में, इस मैनिफेस्टो के अंदर में जो भी वादा कर रहे हैं इस वादे पूरे हम लोग 100 दिन के अंदर अंदर में शुरुआत करेंगे। ऐसे नहीं कर पाए तो हम लोग 101वां दिन के दिन हमारा रिजिग्नेशन स्वीकार करते हैं। हम लोग रिजिग्नेशन करेंगे ऐसा आवेदन नहीं, आपको आंसर नहीं दे रहे, स्वीकार करते हैं करके हम लोगों ने नोटरी बना के हमारे भारत के जनता के आगे में रखे। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, अखिल भारतीय परिवार पार्टी सेकेंडरी है, हमारा मुद्दा हमारा काम सिर्फ भारत के जनता का ईच एंड एवरी व्यक्ति का निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान होना चाहिए। और इसी को आगे लेते हुए हम लोग कैटली चिन्ह हमको मिला हुआ है, इस कैटली चिन्ह के द्वारा अखिल भारतीय परिवार पार्टी के द्वारा मैं नागपुर लोकसभा केंद्र में उम्मीदवार के रूप में आपके आगे में आ रहा हूँ। आनंद शर्मा जी, निश्चित रूप से आपका जो कर्ज मुक्ति अभियान स्वागत योग्य है, लेकिन यहाँ का जो परिदृश्य है नागपुर का, एक तरफ हैवीवेट चैंपियन, हैवीवेट केंद्रीय मंत्री है, दूसरी तरफ विधायक है, कई टर्म से रह चुके हैं नगर सेवक विधायक, तो ऐसे में जो आपने जो संकल्प लिया हुआ है कर्ज मुक्ति का, ये आम आदमी तक पहुंचने के लिए किस तरह का आपका प्रचार प्रसार चल रहा है, इसके अलावा और क्या क्या विकास के मुद्दे हैं इसके अलावा जो आपके फेवर में वोटिंग हो सके? सर, पहली बात मैं कुछ बातों को मतलब आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हैवी चैंपियन करके जो आपने नाम दिए, ऐसे हमारे माननीय नितिन जी गडकरी, उनको मैं सादर नमस्कार व्यक्त करता हूँ। ही इज़ ए वेरी गुड सेंट्रल मिनिस्टर बट नॉट ए लोकसभा उम्मीदवार। सर, आपने नागपुर के अंदर में हर जगह पर जाके आइए, मैं मेरा लोकसभा के अंदर में रहने वाले एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या काम करता है वो देखना चाहता हूँ। जब रोड बनाएंगे एक तरफ में, दूसरी तरफ से उसको तोड़ते हुए आएंगे तो वो विकास नहीं होता है। और साथों साथ में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, किसी को बड़ा कम मत, मैंने माननीय श्री विकास ठाकरे जी के भाई आपने नाम लिए तो उनके लिए भी मेरा सादर नमस्कार। सर, हमारा मुद्दा एक ही है, जो व्यक्ति बहुत सारे रोड डालेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस बनाएंगे, मेडिकल हॉस्पिटल्स बहुत सारे बनाएंगे, प्लांट्स बहुत सारा डलवाएंगे, सब कुछ करने के बाद में कर्जे से मोर देन 2600 मेंबर्स फैमिलीज आज बर्बाद होके सुसाइड कर लिए। जब व्यक्ति मरे जा रहा है यहाँ कर्जे के कारण, उस व्यक्ति जिंदा जीना ही मुश्किल हो रहा है, तो उस व्यक्ति को विकास के बारे में क्या बात कर रहे हैं? पहले उसको जिंदा बचने के कुछ रीज़न दिखाइए, कुछ ऐसे कुछ काम करिए ताकि वो बंदा बच जाए और उसके बाद में उसको कुछ नौकरी मिले। आप लोग जैसे जो पेटी दे रहे हैं, मैंने ये चीज़ मुद्दा मैंने सभी लोगों के आगे में रखा हूँ कि वो है, हम लोग कोई पेटियाँ बांटने के चक्कर में किसी को मारना नहीं चाहते, क्योंकि अभी जो हुआ उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। ऐसे पेटियाँ बांटते हुए लोगों को मारना नहीं चाहते, साड़ियाँ नहीं, मैं नहीं बांट सकता, और साथ में मैं कोई पैसा नहीं दे सकता, मैं लोगों को दारू नहीं पिला सकता, नॉनवेज का पार्टियाँ नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं ये वादा कर सकता हूँ, मेरा मुद्दा एक ही है, जनता के ईच एंड एवरी व्यक्ति के मैं आगे में व्यापार के होने दीजिए, और छोटे छोटे निम्न वर्गीय लोगों के होने दीजिए, ठेला वाले लोगों के होने दीजिए, और कोई भी पूंजीपति वाले लोगों के होने दीजिए, कहीं पर भी कोई भी जगह पर आप लोग देख सकते हैं, जिन जिन का भी कर्जा है उन सभी लोगों का टेक्निकली जो कोविड के वजह से, जो नोटबंदी के वजह से, उसके बाद में GST के वजह से, लॉकडाउन की वजह से, जो जो भी समस्या आके उनके पूरे बिजनेस ठप हो चुके हैं, उनके जॉब्स चला गए, ऐसे सभी लोगों का हम लोग कर्ज माफ़ करना चाहते हैं, ताकि वो व्यक्ति खुद होकर कुछ शक्ति से आगे आ सके, ताकि उसको कुछ काम मिल सके, कुछ निरुद्योगता निवारण हो सके और जनता को हम लोग आगे लेके जा सके। हम लोग ये लॉलीपॉप देने वाला मैनिफेस्टो नहीं देना चाहते, हम लोग जनता को बदलना चाहते हैं। और मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, मैं भी आपकी तरफ से एक छोटा सा साधारण व्यक्ति हूँ, और मैं सिर्फ जनता का शक्ति को जानता हूँ, और मैं इतना मुझे विश्वास है, जनता जो जो जनता समस्या में है वो जनता मेरे साथ में है, हम जरूर जीतेंगे और जनता मेरे जरूर साथ देंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। नागपुर में देखा गया है कि कई तरह की शैक्षणिक संस्था है, कई तरह सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कई तरह के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप बताइए जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको आपने अप्रोच किया है कि आपके संकल्प के बारे में? सर, हम लोगों ने मैंने बहुत सारे लोगों से हम लोग मिलने के लिए प्रयास किया हूँ, उसके अंदर में LGBTQ के अंदर संबंधित जो सारथी ट्रस्ट है उनसे मैंने मिला हूँ, वो लोग बहुत तरीके से मतलब वो सभी लोग बहुत खुशी से हमको सपोर्ट करने के लिए हमको समर्थन दिए हैं। साथ में जो गंगा जमुना के एरिया वाले लोगों को हम लोग मिलने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, मगर वहाँ से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और साथ में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से JCA के नाम से कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उस चीज़ों को भी हम लोग अप्रोच किए हुए हैं। हम ईच एंड एवरी एरिया में, क्योंकि मेरे जो स्तर है, मेरे जो रीच है वो ऐसे है कि हम लोग
हर एक एरिया में बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स आप तो हिम्मत करके मेरे आगे में आ चुके हैं, मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका मैं बहुत नतमस्तक होकर आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मगर आज तक हमारे पूरे तरीके से मीडिया ऐसे हालत में हो चुका है, हर जगह पे दिखाते हैं बीजेपी कांग्रेस के बीच में टक्कर की वॉर नागपुर में। मतलब आप एक काम कीजिए, वहाँ एक रजिस्ट्री हम लोग मेंशन करेंगे, बाकी कोई भी पार्टी नॉमिनेशन नहीं डालेंगे, बीजेपी कांग्रेस को खड़ा कर दीजिए। व्हाट अबाउट अदर पार्टीज, मतलब अदर कैंडिडेट्स? कैंडिडेट्स नहीं, आप अदर कैंडिडेट्स के कोई रिच हम लोग नहीं लेना चाहते। हम एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, मैं जो ऑर्गेनाइजेशन से आता हूँ जैसे नागपुर मेट्रो, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम लोग सीखते हैं एवरी ईयर एक नया प्रेसिडेंट आता है, क्योंकि उनके अंदर में रहने वाले सोच, उनके अंदर में रहने वाला विचारधारा, उनके अंदर में रहने वाला डेवलपमेंट्स कुछ अलग अलग तरीके से होते हैं। तो हम लोग इन सभी लोगों के साथ में लोगों से मिलते रहे, जब उम्मीदवार खड़ा है तो उस उम्मीदवार का मूल मकसद क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट सबका है, मैं जीतूँ या कोई भी व्यक्ति जीते, पर सपोज़ हमारे नागपुर के अंदर में 26 लोग उम्मीदवार लोग हैं, मैं तो इस चीज़ को स्वागत करता हूँ, पहले दिन अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं जीतूँगा तो 26 के 26 हमारे उम्मीदवार लोगों को बिठाऊँगा, उनसे डिस्कस करूँगा, हर एक व्यक्ति के मैनिफेस्टो के अंदर में दी बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है उस इन्फॉर्मेशन को स्वीकार करते हुए सभी लोगों को लेकर सक्सेस करने के लिए आगे लेके जाऊँगा। कोई भी पार्टी गलत नहीं होता है, उस पार्टी को चलाने वाले नेता गलत होता है, तो हम लोग नेता को बदलना चाहिए, पार्टियों के थाट्स और पार्टियों के विचारधारा को हम लोग स्वीकार करना चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूँ हर एक पार्टी के विचारधारा को हम लोग स्वीकार करते हैं, और पहले मैं मेरे पार्टी के कच्चा मुक्ति अभियान को संपूर्ण करूँगा, उसके बाद मैं सभी लोगों से डिस्कस करके आगे लेके जाने का प्रयास करूँगा। अब जैसे कि वातावरण चल रहा है मोदी मैजिक मोदी गारंटी, तो ये सारे कई तरह के वायदे चालू है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है, ऐसे में आप अपनी जो सोच है जनता तक पहुँचाने के लिए किस तरह की आपकी रणनीति है और कितने आपको सीट्स कितनी जगह मिलने की उम्मीद है उस बारे में? सर, श्री माननीय शाहनवाज चौधरी भारती जी के आध्वर्य में अखिल भारतीय परिवार पार्टी 543 सीट्स में लड़ने वाला है, और उसके अंदर में मैं भी बोलना चाहता हूँ अब की बार 400 पार, हम लोग 400 के 400 जगह पे जीतेंगे करके हम लोग बात नहीं कर रहे, हम अब की बार 400 के 400 जगह पे हम आपको इतना टक्कर देंगे हर जगह पे, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि हम सब लोग तैयार हैं, अब आम जनता आपके साथ में नहीं है, इस बार जनता वर्सेस नेता होने वाला है, इस जनता वर्सेस नेता के अंदर में नेता जीतेगा या जनता जीतेगा हम तय करेंगे, आगे आने वाले 4 जून तारीख को पता चल जाए। नागपुर की जनता के लिए आपका क्या एक मैसेज है? बस नागपुर के जनता से मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक खोद के इतना ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जनता अब की बार सिर्फ ये सोचे हमारा जाति धर्म प्रांत के आचार विधान से ना वोट डालते हुए, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट लाइट के बारे में, क्योंकि मैं कुछ चीज़ आपके आगे में रखना चाहता हूँ, स्ट्रीट्स के अंदर में स्ट्रीट लाइट डलवाना, रोड डलवाना, पानी दिलाना, ये सभी चीज़ गवर्नमेंट के काम है, उनका हमारा हक है वो सब चीज़ मांग के उनसे लेना, क्योंकि हम लोग रोड टैक्स दे रहे हैं, सभी टैक्सेस दे रहे हैं, तो हमारा हक है डेवलपमेंट उनको करके देना ही है। इस चीज़ों को लेके काम ना करें, एक ऐसे काम देखें कि हमारे सिर्फ एक बिरयानी होने दीजिए या दारू होने दीजिए या छोटे छोटे पार्टीज होने दीजिए या साड़ी बांटना होने दीजिए, ऐसे छोटे छोटे व्यामोह में आके आपके आगे में इतना बड़ा एक 5 साल के एक बार मौका मिल रहा है, इस वोट को सिर्फ और सिर्फ नोट के चक्कर में या छोटे छोटे काम के चक्कर में उसको वेस्ट ना कीजिए। एक दिन का आपका वोट 5 साल आपको राजा बनाना है या नौकर बनाना है आपको मेंटेन करेगा, आप सोचते रहिए। जनता पूरा एक बार सोचे, आप राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे आप मेरे कैटली के चिन्ह के ऊपर में वोट बटन दबा के मुझे जिताइए, नहीं आप जनता का राजनीति का शिकार बनना चाहते हैं तो आप किसी को भी बना सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं हर पार्टी के अंदर में, आप कोई भी जगह कर सकते हैं, राजनीति का हिस्सा बनना है या राजनीति का शिकार बनना है आप सोचिए। थैंक यू सो मच।